हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे जो मारुति सुजुकी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है जो आपको लगभग 5 लाख में मिल जाएगी। जी हाँ, 5 लाख में आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। और तो इसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। तो चलिए, जो गाड़ी होगी उसका नाम होगा एक्सेल, जो पहले 6 आती थी, अब XL5 इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो एक बेहतरीन बात है ये, जो आपको जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये गाड़ी मिल रही है। तो सबसे पहले तो इसके इंजन की बारे में बात करें तो आपको ये 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन है जो 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये इंजन। तो एक बहुत ही बेहतरीन बात है, और ये इंजन आपको मारुति की वैगनार में भी मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको मारुति की इको और रेनॉल्ट की ट्राइबर ही मिलती है। तो ट्राइबर की बात करें तो उसमें आपको जो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलता है, जिसकी पावर आपको इससे थोड़ी कम ही मिलती है, और टॉर्क तो आपको मत पता ही है कि तो कम ही होगा, क्योंकि 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है। तो XL5 की बात करें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा जो 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क की गाड़ी आपको ऑफर करेगी। तो पावर की भी आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब में ज़्यादा कुछ कमी नहीं लगेगी, एक अच्छा पावर आपको मिल जाएगी। और बात करें अगर इसकी जो लुक्स की, तो लुक जो देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। देखिए, जो XL6 और XL5 है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंसेस एक दूसरे में मिलेगी, क्योंकि वैगनार भी ऐसा लगता है थोड़ी सी इसमें मिक्स की गई है उसके लुक्स भी। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये गाड़ी लग रही है। तो आप भी कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। और लॉन्च डेट की बात करें तो ये आपको लगभग अप्रैल से लेके जून जुलाई तक ये गाड़ी मिल जाएगी जो इंडियन मार्केट में। तो बहुत ही एक बेहतरीन बात है, आप थोड़ा सा वेट करके इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको इस गाड़ी के जो कंपटीशन की बात करें इस प्राइस रेंज के हिसाब से, तो मारुति इको आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से मिल जाती है 7 सीटर, जो आपको ऑफर करती है। तो चलिए बात करते हैं मारुति इको की। तो उसमें तो आपको इतना कुछ फीचर्स नहीं मिलते ज़्यादा, वो तो कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसमें तो आपको बस थोड़े बहुत जो पावर स्टेरिंग ऐसे छोटे मोटे जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन ड्राइवर की बात करें तो उसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसके तो बेस मॉडल में ही आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो ऑफर कर देती है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें थोड़ी सी पावर की कमी ज़रूर लगती है, जिसमें वो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। तो बस उसमें एक पावर की कमी है, जो ये गाड़ी आकर जो उस पावर को, जो लोगों को कमी लगती थी, उसको पूरा करेगी, जिसका नाम है XL5। तो जल्द ही ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो अगर आपको और अपडेट चाहिए होगी तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी जो अपडेट्स हैं वो उसके बारे में बताता रहूँगा। तो अगर उससे कंपेयर करें, ड्राइवर को कंपेयर करें अगर XL5 से, तो XL5 तो ज़्यादा अच्छी लग रही है लुक्स में भी, और इंजन के हिसाब से भी ये आगे ही है उससे। लेकिन प्राइस इसका बहुत अच्छा है, 5 लाख के आसपास आपको ये पड़ जाएगी। तो बहुत ही एक बेहतरीन जो गाड़ी ये मारुति ने लॉन्च किया, और मारुति की नेक्स्ट इस गाड़ी को सेल करेगी तो एक अच्छी बात है। और मारुति की गाड़ी है तो लोगों को वैसे भी इस पर भरोसा रहता है कि अच्छी ही होगी, तो ये भी एक मारुति के पास प्लस पॉइंट है। जो आपको रेनॉल्ट ड्राइवर के पास, जो कहते भी हैं कि रेनॉल्ट की है, तो थोड़े बहुत लोगों को लगता भी है कि गाड़ी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जो मारुति की XL5 होगी वो बहुत ही एक अच्छी गाड़ी, जिसे आप कह सकते हैं वो, क्योंकि जो वैगनार है उसका ही इंजन, उसका 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन इसमें आएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, लुक्स तो आप देख ही रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे लुक्स लग रहे हैं इस गाड़ी के। तो बस यही मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।